बोले ये सबसे इधर से है ये। हाँ ये पुराना घर है। अच्छा पुराना, ये बहुत पुराना है, ये देखिए नीचे पूरा पत्थर का है। हाँ हाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी का नीचे। अच्छा ये वाला, और उसके बाद बना ये घर। ये बेम्बू का है, बेम्बू के ऊपर से सीमेंट देके बनाया है, प्लास्टर करके। अच्छा अच्छा, ये बेम्बू कोई वो नहीं, इत नहीं है, मतलब बाम्बू के ऊपर पूरा बना। हाँ बेम्बू वो दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर शेप में। हाँ हाँ, उसके अंदर स्ट्रक्चर है बेम्बू का, बेम्बू काट के अच्छे से वो करके उससे प्लास्टर सीमेंट का है प्लास्टरिंग। और उसके बाद ये नया ये बिल्डिंग हो गया, ये तो और ये नया जो हम लोग है वहाँ पे। अच्छा ओके, वो जो कल रात चिकन खाए थे यहाँ से क्या? हुँ? जो रात कल चिकन खाए थे ओ, हाँ, हाँ, वो यही से। अच्छा अच्छा, चिकन चिकन काला, ये कड़कनाथ के काला तो कड़कनाथ। हाँ, ये अच्छा। काला ना, इसका किलो का 1500 है। अरे बाप रे, बहुत नहीं, ये देखिए वो भी काला, प्योर काला, इसका मीट भी काला होता है पूरा। ओ मीट वो ब्लड सभी काला, ब्लड भी काला। हाँ ब्लड भी काला होता है, बाप होता है ना कड़म। हाँ वो जो थोड़ा, ये अभी तो इसका सीजन नहीं है। हाँ जब इसका सीजन होता है विंटर में, हाँ तब यहाँ पे आग लगा के ऊपर उसको ड्राई करना पड़ता ओ, है। आप बोले थे जी, हम हार्वेस्ट करते हैं ना, तब वो प्लग करने के टाइम में तो कच्चा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है, वो लोग तो नहीं खरीदता। अच्छा। इसलिए सुखा के उसको ड्राई करना पड़ता है, उसको पूरा यहाँ पे यहाँ ऊपर हाँ रख के, यहाँ देखिए यहाँ पे वो है ना ये टिन। हाँ हाँ नेट, उसके ऊपर पूरा सिजा के नीचे से आग डालना पड़ता है। ओ, वो कार्डमम के लिए। हाँ हाँ, ये सुखाने के लिए। अच्छा। ये आग देने के लिए भी एक्सपोर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा अगर देंगे आग हाँ तो पूरा आग ऊपर चला जाएगा, पूरा जल जा सकता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए एकदम मेंटेन करके रात को भी एक जन को यहीं पे सोना होता है। ओ बाबा, क्योंकि देखना पड़ता है बार बार, बार आग, आग का वो कितना मेंटेन है वो सब देखना पड़ता है रात को। अच्छा अच्छा, इसलिए एक जन को यहीं पे सोना पड़ता है रात को। और कार्डमम का पेड़ कौन सा है? चोरी होने का भी डर रहता है। अच्छा, खुला खुला में ही होता है ना। यहाँ पे ना पूरा ऑर्गेनिक खेती है, एक परसेंट भी फर्टिलाइजर नहीं, कोई यूरिया कुछ नहीं, पूरा ऑर्गेनिक। हम लोग ना थोड़ा भी वो फर्टिलाइजर ये वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, मतलब ये जो बुरा मल है ये फर्टिलाइजर, ये काउडंग, यहाँ पे काउडंग यूज करते हैं, सिर्फ काउडंग, काउडंग कर पानी, कोई फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं, सब्जी में भी इलायची में भी कुछ नहीं, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो थोड़ा सूख गया, सूख जाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट वो करके। ओ ये जो काउडंग पूरा। अच्छा 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 ओके, और ये गाय, ये जो कॉफी चाय हो रहा है सब इनके दूध से। अच्छा, इसलिए टेस्ट भी पूरा अलग है, पूरा प्योर दूध है। अच्छा बहुत बढ़िया था कॉफी चाय, टेस्ट ही अलग होता है सच में। नीचे जमा होता है तो इन लोगों का डंग। हाँ हाँ हाँ, वो कलेक्ट करके फिर अच्छा दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन का लगाया हुआ है। ओ कुमड़ा है क्या? पम्पकिन। अच्छा, आप बंगाली में क्या कुमड़ा बोलते हैं? हाँ कुमड़ा बोलते हैं, पम्पकिन। अच्छा, वो जो पम्पकिन का डाल खाए। अच्छा वाह, दिन में आपको इसी का सब्जी खाना पड़ेगा, ये बीग। क्या है? तीता तीता होता है ना इसको। अच्छा। बीटर टाइप का बीग बोलते हैं इसको सब्जी। बीग बी 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 बोलते हैं। अच्छा वाओ, ये तो हम लोग टमाटर की तरह दिखता है। हाँ टमाटर की तरह दिख रहा है ना। हाँ बी, वाह बीटर टाइप का। ये क्या कच्चा ही खाया जाता है या फिर पका के? ओ वो रेड रेड, ये क्या रेड हो गया है वहाँ पे? ये टमाटर है, ये जंगली टमाटर। ओ इसको भी पका के इसको भी अचार अचार खा सकते हैं, अचार में, अचार में ना। हाँ हाँ हाँ, इसका भी अच्छा होता है टेस्ट। अरे वो जो कल मिर्ची खाए वो कहाँ पे है? वो मिर्ची का पेड़, लाल मिर्ची, वो देखिए वो लाल कलर का। अच्छा 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 अच्छा, वो बहुत टेस्टी था। वो लाल कलर की मिर्ची डल्ले घोसले ने। अच्छा, वो लाल भी हरा भी होता है, बहुत ही तीखा होता है ये। हाँ तीखा था लेकिन बहुत, मतलब एक अलग सा स्मेल है मिर्ची का। और ये टमाटर यूज होता है तरकारी में। वाह, इसका भी टेस्ट कुछ अलग ही होता होगा। वो बीन्स। अच्छा, मतलब ये विंटर में होता है क्या? ना थोड़ी देर, थोड़ी दिन, एक दो महीने पहले, अभी तो सीजन नहीं है बीन्स का।
अच्छा 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 जून बोल सकते आप जून में जून जुलाई बोल जून में सीजन है पूरा बहुत रास्ता ओ ये कार्डमम का अच्छा यहाँ पे ना नीचे होता है कार्डमम यहाँ पे लगता है जो ये सब है ना इनमें लगता है कार्डमम मतलब जमीन के नीचे होता है ना जमीन के ऊपर ही लगता है इनमें फूल जैसा लगता है तो हमको छुड़ी देके छुड़ी मार के इसको निकालना पड़ता है ये दिख रहा है ना फूल जैसा इसमें फल लगता है कार्डमम का अच्छा तो छुड़ी देके इसको तोड़ना पड़ता है छुड़ी से ऊपर नहीं होता है फल नहीं होता है नीचे अच्छा नीचे होता है वो बंदर बंदर वगैरह भी लगता है और इसका सीजन कब है मतलब होगा कब अभी तो विंटर में ओ विंटर में होता है अच्छा ये सब आप लोग मतलब खेती करते हैं हम लोग मेन तो ये तोतीतांग का फेमस ही इस चीज के लिए कार्डमम के लिए बहुत जाता है बाहर से ना इसको बहुत वो भी लगता है स्क्वायरल क्या हुआ डियर और वो बंदर अच्छा कार्डमम बहुत खाते हैं ओ हाँ वही तो क्योंकि नीचे है तो प्रोटेक्शन भी कर नहीं पाएंगे फिर मतलब दवाई वगैरह भी नहीं डालते हम लोग ना हाँ पियोर होता है एकदम नीचे जंगल नीचे नदी तक है तो हम लोगों का वहाँ पे तो उतना वो लोग भी नहीं जाता है इसलिए अच्छा। वहाँ पे तो आके पूरा खा जाता है फसल बाबा फिर कैसे मतलब प्रोटेक्शन कैसे करते हैं आप लोग वो क्या कर सकते हैं तब तो मतलब जितना लॉस हुआ हुआ कुछ कर नहीं सकते अच्छा पूरा कर अच्छा अभी तो यहाँ पूरा काट के दाग भी है यहाँ पे काटा हुआ है यहाँ पे ना इसको फूल लगता है बहुत बढ़िया मैं भी बहुत बात आया हूँ अच्छा आलू भी अलग के लिए उगता है वो आलू भी यही तो होता है मोटा मोटी प्याज खरीदना पड़ता है हाँ वो भी हो जाता है अच्छा और तेल खरीदना पड़ता है और चावल नमक बाकी सब्जी वगैरह तो खरीदना नहीं पड़ता सब यहीं से ही हो जाता है खुद उगा के वाह मेन तो नमक और वो है तेल मतलब वो नीचे से लाते हैं हाँ वो खरीदना पड़ता है नमक और तेल वो भी हो जाए बस हो जाए मीज भुट्टा है सब ये ना ओ वो भुट्टा है एक दो दिन पहले था अभी तो कट गया पूरा इसका सीजन अच्छा अच्छा अभी तो कट गया पूरा यहाँ पे ना जितना ऊपर था वहाँ पे पूरा था लगा दिया मतलब मेज और ये कार्डमम ज्यादा होता है मेज तो हम लोग खुद कंजम्पशन के लिए अच्छा वो बिकते नहीं है सिर्फ बिक्री होता है ये कार्डमम अच्छा ये इसको नेबारा बोलते है रुक को ना ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला हाँ ये गाय बहुत पसंद करता है ये पे ये जो लीव देख रहे हैं गाय का फेवरेट है ये अच्छा ये खाता है गाय फिर ये बहुत फेवरेट है ये देने से ना दूध वो प्रोडक्शन ज्यादा होता है गाय का दूध अच्छे से निकलता है खाता भी अच्छे से है ये और आप लोगों के चावल का प्रोडक्शन होता है चावल का नहीं चावल का लेना पड़ता है नीचे से अच्छा टोली है ना टोली हाँ टोले में गर्मी नहीं है इसलिए चावल नहीं होता है नीचे सोदे में होता है लेकिन फिर चावल कल्टिवेशन नीचे सोदे में होता है आप लोग नहीं देखा कल आते वक्त हाँ 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 देखे एक ही खेत देखे जो बहुत अच्छी तरह से मतलब ये करके पूरा देखे कड़ा मम्मी नीचे तक और ये सब आप लोगों ने लगाया तो एक बार अगर मतलब फसल हो जाए तो फिर क्या ये मतलब खत्म हो जाएगा या फिर से मतलब बार बार ही देगा ये ना एक प्लांट इतना आपको पहले तो देता था 4 साल 5 साल अच्छा लेकिन अभी थोड़ा इसका रोग आया है तो इसीलिए एक प्लांट देता है आपका 2 साल ओ फिर उसको उठा के नया काट के फिर नया लगाना पड़ता है और नया क्या सीड लगाना पड़ता है या फिर सैपलिंग ये सैपलिंग अच्छा 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 करके उसी को लगाना पड़ता है सीड नहीं लगाना पड़ता अच्छा सैपलिंग लगाना पड़ता है इसका पूरा नदी का आवाज आ रहा है इसका वो लगाते हैं हम लोग मानसून टाइम में अच्छा मानसून टाइम में लगाएंगे और दो होगा विंटर टाइम में हो जाएगा इसको लेकिन आपको इसको ख्याल करने के लिए दो बार वो जंगल साफ करना पड़ेगा एक हो गया अभी मानसून के टाइम पे और दूसरा विंटर के टाइम में
ओ जब मतलब लगाएंगे फिर उस टाइम और जब उठाएंगे उस टाइम जंगल होता है ना, हाँ हाँ सबको क्लियर करना पड़ता है। अच्छा ये साइड साइड का प्लांट अगर बड़ा हो गया तो फिर हाँ ये तो बढ़ नहीं पाएगा, ढक जाएगा। अच्छा 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 ना, इसको क्लियर करना पड़ता है कभी कभी। मेनली हम दो टाइम करते हैं सीजन में। इधर इधर कुछ था क्या मतलब? यहाँ पे वो आलू आलू। अच्छा आलू था, साग। आप लोग इधर स्क्वाश नहीं होता? स्क्वाश देखे थे, स्क्वाश ऊपर है। ओ इस साइड पे वो देख रहे हैं जो जो पेड़ के नीचे एक पत्ता जैसा। हाँ। अच्छा वो भी है, वो पेड़ के ऊपर है ना, जो लीफ बड़ा बड़ा टाइप का। हाँ। वो भी स्क्वाश का है जो झूल रहा है नीचे तक। अच्छा वो पेड़ के नीचे झूल रहा है ना, वो भी स्क्वाश का है। स्क्वाश का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग बीए में गए थे वो चारकोल सिटोंग के साइड, वहाँ पे सिर्फ स्क्वाश ही मिलता है। इतना ज्यादा स्क्वाश का क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है। हम लोग तो पूरा वो भी ऑर्गेनिक स्क्वाश, नीचे कितना कितना दाम है ना स्क्वाश का। हाँ। हम लोग यहाँ ज्यादा होके काट के गाय को देते हैं, गाय को बकरी को ये सब पका के। अच्छा और यहाँ पे नजदीकी अगर जैसे नीचे माल बाजार चालसा जैसा मार्केट अगर नजदीकी होता तो हम लोग का वेजिटेबल भी सेल अच्छे से होता। हाँ हाँ आप लोग जा सकते थे। हाँ। लेकिन खुद के कंज्यूम तो, के लिए कटते हैं। यहाँ पे तो सभी का जमीन है, अपने आप अपने आप सभी खेती करते हैं तो यहाँ पे उतना डिमांड नहीं है ना। अच्छा अच्छा तो, हाँ सब खुद ही अरेंज कर लेते हैं अपने आप। ये नाम क्या है मिर्ची का? डल्ले ससानी। डल्ले मतलब शेप जो सर्कल होता है राउंड। डल्ले मतलब नेपाली में। अच्छा खोर्सानी मतलब चिल्ली। चिल्ली। अच्छा अच्छा डल्ले खोर्सानी गोल मिर्च बोल सकते हैं। उसे स्मेल ही अलग है। अभी वहाँ पे पूरा वो पाइन ट्री लगाया है, अभी छोटा छोटा स्टिक देख रहे हैं ना। हाँ 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 स्टिक है बहुत सारा नीचे देखिए छोटा छोटा छोटा। अच्छा 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 सैपलिंग्स लगाया है। हाँ दिख रहा है। हाँ वहाँ पे पूरा वो पूरा एरिया लगा दिया, बहुत बड़ा होगा तो बाद में अच्छा दिखेगा। हाँ हाँ पूरा ये बहुत अच्छा दिखेगा, पाइन ट्री तो बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा भी हो चुका है थोड़ा। हाँ थोड़ा बड़ा हुआ है एक, बहुत बड़ा होगा ये बाद में, टाइम लगेगा लेकिन 10-15 साल लगेगा होने में। बहुत बढ़िया है। वो केला भी होता है क्या? वो जंगली केला है। वो जंगली मतलब खाया जाता है या नहीं खाया? ना नहीं खाया जाता। फल वगैरह लगता है सेम केला लेकिन उसका ना टेस्ट ना अच्छा नहीं होता है। ओ थोड़ा तीता टाइप का होता है, बिटर टाइप का। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन देखने में सेम दिखेगा बाजार के केले। ये भी यहाँ पे देखी केला वो फिर वेस्टेज है। हाँ ये वो है ना वो उसको काट के ये पत्ता नहीं वो जो डंठा दिख रहा है स्टेम। हाँ हाँ उसको काट के छोटा 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 पीस करके। हाँ वो डाल के वीट डाल के नमक डाल के पका के गाय को देते। ओ गाय को खिलाते हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हो गया ओ गाय फिर खाता है। थोड़ा थोड़ा दिख उधर पूरा भूटान वहीं तक है लास्ट रोड भूटान का जो बोल रहे थे आप, वो उधर बर्फ भी पड़ता है वहाँ तो पूरा दिखता है बहुत बहुत क्लियर। डोकलाम चाइना का हुआ था, इंडिया का डोकलाम का। हाँ हाँ वो इस साइड पड़ता है डोकलाम रेंज। ओ डोकलाम इधर। हाँ इस साइड डोकलाम चाइना, इस साइड डोकलाम चाइना और सिक्किम इस साइड। सिक्किम उस साइड। हाँ बताए थे रचेला भी उधर से जा रहा था। हम लोग दादाजी के दादाजी के टाइम पे हाँ टिबेट वगैरह यहाँ से सामान खरीद के वहाँ पे, तो क्योंकि एकदम पहाड़ एरिया है। हाँ। जो जो यहाँ पे मिलता है वो वहाँ पे नहीं मिलता है तो इसलिए एक्सचेंज बार्टर सिस्टम का टाइप का ट्रेड होता था। ओ तो यहाँ से मतलब आपके दादाजी के टाइम पे। दादाजी के मतलब दादाजी के टाइम पे। अच्छा वो लोग जाते थे, हमने सुना है उन लोगों के। अच्छा जाके पूरा वो यहाँ से सामान लेके वहाँ पे बिजनेस करने के लिए जाते थे, टिबेट वगैरह, टिबेट चाइना यहाँ से पैदल। अच्छा 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 ग्रुप ही होता था उन लोगों का, पैदल ही पूरा आ जाते थे। सब कुछ यार ये छोटा छोटा पेड़ क्या है? हाँ ये प्लांट वैसे सेल के लिए। ओ अच्छा अच्छा मतलब भाई ये के लिए सदाबहार के लिए। यहाँ पे भी देखिए टमाटर। ओ इधर टमाटर थोड़ा बड़ा है शायद, शेप भी कुछ अलग है। ये भी टमाटर है लंबा टाइप का? लंबा टाइप का क्यों हुआ है? अलग जाति का है क्या ये? थोड़ा अलग किस्म का है। और ये मिर्ची, अरे बाप रे कितना बड़ा मिर्ची। हाँ इसको वो हम लोग का ट्रेडिशनल डिश होता है
भूटान में भी चलता है वो डिश, दासी करके, एमा दासी करके, उसमें चलता है ये डिश। ओह, वो ये डाल के पूरा उसका मिर्ची का ये, लेकिन उतना तीखा नहीं होता है ये, सब्जी वेजिटेबल की तरह खाते हैं इसको। अच्छा, जैसे शिमला मिर्च होता है। हाँ, अच्छा, उसको ये डाल के, चीज डाल के, अच्छा बटर डाल के पकाते, एक दिन खिलाएंगे वो भी आप लोग ट्राई करने के लिए।